आप सब, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड दाबेली, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दाबेली हमारे घर पर बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी को। अगर पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बना लेते हैं हम दाबेली का मसाला। इसके लिए ले ली मैंने एक चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्ची, एक चम्मच जीरा, 3-4 सूखी लाल मिर्चें, एक बड़ा चम्मच धनिया साबुत धनिया जो होता है वो, 2 छोटे तेज पत्ता, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, और बाकी जो चीज़ डालेंगे मैं बताती जाऊँगी। इसके लिए आप एक पैन रख लें। अब इसमें पहले आप ये सारी चीज़ें डाल दें, हल्का सा इसे रोस्ट करें, और इसमें डाल दें आप एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, एक चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भूनें आप इसे। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब इसमें डालेंगे थोड़े से और मसाले हम, एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, मिर्ची आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच सौंठ, और लास्ट में डाल दें 1 चम्मच चीनी। ये सारी चीज़ें मैंने गैस बंद करने के बाद डाली हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स करें। और अब इस मसाले को कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद पीस लें। ये आपका दाबेली का जो मसाला है वो बनकर रेडी है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका एक पाउडर बना लेते हैं। लीजिए हमारा दाबेली का जो मसाला है वो तैयार है। आप इसे किसी कंटेनर में भरकर भी रख सकते हैं, और जब मन चाहे आप इसे दाबेली के लिए यूज़ करें। अब हम बना लेते हैं एक लहसुन की चटपटी सी चटनी। इसके लिए मैंने 10-15 मिर्चों को 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रख दिया था, और सेम जार में मैं इन्हें डाल दूँगी। ये ले रही हूँ मैं 8-10 कलियाँ लहसुन की, 2 बड़े चम्मच के करीब भुनी हुई मूँगफलियाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और 1 नींबू का रस डाल दें, और अभी इसे भी बारीक पीस लें। लीजिए हमारी चटपटी सी लाल मिर्ची और गार्लिक की चटनी भी तैयार है। अब मैंने वापस मसाले वाले पैन को गैस पर रख दिया है, उसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें डाल दें थोड़ा सा धनिया पाउडर, बिल्कुल 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और लास्ट में डाल दें थोड़ा सा चाट मसाला, और इस मसाले को बस 1 मिनट भूनें। इसमें डाल दें आप 1/2 कप भुनी हुई मूंगफलियाँ, और इन्हें मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लें। बस 1 मिनट आप इन्हें भूने। लीजिए हमारी मसाले वाली मूंगफली भी तैयार है। अब मैंने वापस इसी पैन को रख लिया, इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और अब ये मैंने ले लिए हैं 5-6 उबले आलू, जिन्हें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं डाल दूंगी इन आलुओं को, और पहले इन आलू को अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें ऐड कर दिया 2 से 3 चम्मच दाबेली का मसाला, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं, और 2 चम्मच इमली की चटनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा नमक और डाल दें, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, सारे डाल दें। लीजिए हमारा मसाला भी एकदम भूनकर से रेडी है। अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। लीजिए हमारा मसाला तैयार है। इस पर डाल देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से अनार के दाने, और थोड़े से मूंगफलियाँ। लीजिए हमारी दाबेली बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं, बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए दाबेली बना लेते हैं। मैंने इस तरीके से ले लिया पाव, और इसे मैं एक साइड से जुड़ा रहने दूंगी, और इस तरीके से कट कर लूंगी। अब इसमें पहले मैं थोड़ी सी लहसुन की चटनी लगा दूंगी, जो हमने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी लगाई है। अब थोड़ा सा ये दाबेली का मसाला मैं ऐड करूंगी इस पर, थोड़ी सी इमली की चटनी लगाते हैं, प्याज, थोड़ी सी पीनट्स, थोड़े से अनार के दाने, थोड़ा सा आलू का मसाला और रखें इस तरीके से। थोड़ी सी चटनी और लगा दें।
बेसिकली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जितना भी मसाला इसमें लगाना चाहें। और इस तरीके से इसे दबाकर बंद कर दें। और इस तरीके से पहले अपनी दाबेली को आप रेडी कर लें। देखिए मैंने 4-5 पीसेज रेडी कर लिए हैं, चलिए इन्हें सेक लेते हैं। अब मैंने वापस उसी पैन को गैस पर रख लिया है। आप पैन या तवा जिस भी सेकना चाहेंगे दाबेली को सेक सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले डाल दें थोड़ा सा ऑयल और इसमें रख लें दाबेली को। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से दबाते हुए सेक लें। आप तवा या पैन जिसमें भी चाहें इसे सेक सकते हैं। मैंने इसी पैन को सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया, तो मैंने इसी पैन में इनको सेकने के लिए भी रख दिया है। ये टोटली आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जब एक साइड से सिक जाए तो सावधानी से टर्न कर लें और दूसरी साइड से भी दबा कर सेकें। जितने अच्छे से आप इसे दबा कर सेकेंगे उतनी अच्छी ही दाबेली आपकी बनकर तैयार होगी। देखिए हमारी दाबेली अच्छे से सिक कर तैयार है। अब आप इसे निकाल लें। बस ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखें और अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप इन्हें सेक लें। अब मैंने एक प्लेट में ले लिए नायलॉन वाले सेव और आप इस दाबेली को अच्छे से इस तरीके से इसमें कोट कर लें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो लीजिए दोस्तों, हमारी टेस्टी चटपटी सी दाबेली सर्व के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी दाबेली बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी दाबेली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।